अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। एंड वुमेंस डे गुज़र गया है और व्लॉग उस दिन अपलोड नहीं कर सकी, सो अभी विश कर देती हूँ जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ ही, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का व्लॉग नाश्ते से नहीं शुरू हुआ क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि रिकॉर्ड भी करना है। सो ये दिन के खाने के लिए कबाब बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं सिंपल से थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था एंड उसी का ही फिर मसाले वगैरह ऐड करके, और ये शायद केचप ली थी तो उसके साथ, मतलब प्रमोशन के लिए ही साथ में मिल जाते होते हैं तो वही लिया नहीं है ये मसाला चांपों का ही, तो मैंने सोचा कि ये भी ऐसे ही पड़े पड़े क्या इसको करना है, तो ये इसी में ही ऐड कर दूँ, थोड़ा टेस्टी आ जाएगा। सो अब ये मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद जी कबाब बनाऊँगी। एंड वैसे इस गोश्त में और कुर्बानी के गोश्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि इसमें ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे होंगे, हालांकि निकाले भी थे, मतलब सारे साफ अच्छी तरह कीमा किया था मैंने, लेकिन फिर भी आ जाते बीच में और तभी बिल्कुल हो गए थे कबाब भी, उनकी शक्ल ही बिगड़ गई थी। और बिल्कुल मैंने गोल गोल बनाए थे लेकिन फिर भी शक्ल ही बिगड़ गई। एंड ये उनको फ्राई कर रही हूँ और फिर बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है तो चेहरे को दूर रखा करें, हाथों को भी, छींटे वगैरह पड़ जाती हैं ऑयल की तो फिर निशान नहीं जाते। एंड आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को अभी तक, एक सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा और फिर ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि मेरे घर आने के लिए वीडियो से आप नोटिफाई हो जाएं। एंड अभी भी आपको एंड पे दिखा भी दूंगी आपको दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप बेशक आप देखते भी हैं व्लॉग्स लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कोई से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा दूसरों का भला ही होता है। ये छोटी छोटी नेकियाँ होती हैं जो एक दूसरे के लिए बड़ी नेकी करने पर आओ तो फिर बहुत बंदे को हाथ पांव मारने पड़ते हैं। और वो कहते भी हैं ना, अगर किसी को देने भी हैं कोई खुशियाँ ही, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करनी चाहिए, बड़ी चीज़ों में अगर तलाश करने बैठ जाओ ना तो फिर उम्र गुजर जाती है उस चीज़ को पाने के लिए, किसी को खुशी को देने के लिए। लिहाजा छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ तलाश किया करें और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। एंड आज जी ये कल का है, यस कल का है, भूल ही गई मैं, कल का ही है ये बना रही हैं, एक साइड पे चने और दूसरी साइड पे राइस ही, और ये साथ साथ अम्मी भी और साथ साथ में भी, और ये अम्मी मुझे बता रही थी कि ये लाना नहीं आता तुम्हें क्योंकि मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ी थी एंड एक हाथ से ही ला रही थी तो इसलिए फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और ये बिरयानी मसाला नेशनल वालों का बहुत अच्छा है, मैंने शान का नहीं ट्राई किया लेकिन नेशनल का बहुत अच्छा बिरयानी मसाला है। और चनों में भी अम्मी कह रही थी थोड़ा ऐड कर देती हूँ टेस्टी आ जाएगा, और फिर तड़का वगैरह बनाया और ये सारे चने बॉयल करके रख दिए थे और फिर जब भी ज़रूरत होती है तो बस निकाल के एकदम से, अगर सालन बनाना हो तब भी आसानी हो जाती है, चावलों में पुलाव चने का बनाना हो तब भी आसानी हो जाती है। और बारिशें भी हुई हैं इस्लामाबाद में और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप लोग सब बताएं आप लोगों के एरिया में हुई हैं बारिशें कि नहीं हुई हैं। एंड ये फॉर द इंस्टाग्राम में ऐसे ही कैप्चर करती रहती हूँ, आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये अब अम्मी राइस ऐड कर रही हैं और जी ये भी साथ बन रहा है। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखा, राइस साथ साथ ये भी ला रही थी साथ, पानी से ही कई बीमारियां दूर हो जाती हैं।
1.5 लीटर तो कम से कम लाजमी पानी पिया करें, और अपने पास एक बॉटल रख लिया करें, उसी से ही पानी पिया करें ताकि आप लोगों को मेजरमेंट पता लग जाए कि आज ये इतना पानी पिया, आज इतना पानी पिया। और स्किन भी हाइड्रेटेड रहती है, जब हम अंदर से हाइड्रेटेड होंगे तो ऑब्वियसली बाहर से भी हमारी स्किन फ्रेश फ्रेश लगेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। एंड क्रीम या लोशन लगाने की उस हद तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर ड्राइनेस ऑब्वियसली वो तो होती ही होती है जिनकी स्किन ड्राई है ज़्यादा। और ऑयल और पानी से पिंपल्स वगैरह वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एंड ये जी चने वगैरह, अब इसमें पानी ऐड कर दिया और दम वाली आग पे रखेंगे और खुद ही बन जाएंगे जादू से। और आज बनाई थी पालक, आलू, और पालक में इतने बड़े बड़े पत्ते थे, और वो भी आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगी। काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर पालक बनी है, और ये जी बारिश हो रही है हमारे एरिए में, बहुत मज़े की बारिश हुई है। मुझे वैसे भी बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, अगर कहीं मतलब बाहर ना हूँ या किसी ऐसी जगह ना हूँ जहाँ पे मतलब मैं कंफर्टेबल ना हूँ, तब तो ऑब्वियसली नहीं पसंद, लेकिन जब घर में हूँ और ऐसी हो रही हूँ तो बस फिर बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड ये जी चावल अब खाने लगे हैं, अम्मी डाल रही थी, गरम गरम चावलों का भी अपना ही मज़ा है। और ये जी कुछ फाइनल शक्ल है चने वाले पुलाव की, ये है जी, और ऊपर सालन भी फिर मैंने ऐड किया था। और फोग आ गई थी लेंस के आगे, और ये जी चनों की भी फाइनल लुक ये है। और ऊपर छत पे गई थी तो हर कोई इधर उधर देखूं, जिधर देखूं जी तो काइट्स। एंड ये है जी पालक, पानी डाल के अंदर से, तो पत्ते बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, येलो हुए हुए थे। और ये जी जिनकी मैं बात कर रही थी, ये वाले थे वो पत्ते बड़े बड़े, ये पानी मैंने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, मैंने नहीं पानी ऐड किया, और ये मैं पानी अब पी रही हूँ। एक ही बॉटल बस रख लें अपनी, कि ये बस इसी से पानी 1.5 लीटर कम से कम 7 to 8 ग्लास होने चाहिए नॉर्मल, इससे भी ज़्यादा हो तो 12 to 16 कर लें। और ये पालक ऐड कर दी थी, ये पानी वगैरह ऐड नहीं किया, पालक जब वॉश करने के बाद उसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है, तो ये तेज़ आंच कर दी थी चूल्हे की, और अब थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है पानी। और आप लोग सब बताओ कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और मैंने लास्ट में पिक्चर भी अटैच की है, 100 में से 43% ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देखते हैं व्लॉग्स वगैरह, उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और इंस्टा पे भी डू फॉलो मी, आपको मेरी फीड अच्छी लगेगी। फोटोग्राफी का पेज है, और मोबाइल से ही बस में लेती होती हूँ पिक्चर्स जो लोग पूछते हैं, और मोबाइल का भी काफ़ी DMs आए थे, iPhone SE 2020 है फ़ोन, इसी से ही आए, डू रिकॉर्डिंग्स फॉर द व्लॉग एंड आल्सो टेक पिक्चर्स।
ये इसमें आलू ऐड कर दिए हैं अब साथ ही, और दम वाली आग पे रख दें साथ, पालक भी हो जाएगी अच्छी तरह के बॉयल और साथ आलू भी, दोनों काम एक साथ। एंड दुआ करते रहा करें सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। एंड ये पुदीना कट करके एक साथ ही रख देते होते हैं ताकि फिर जब भी सालन वगैरह बनाना हो तो उसमें एकदम से ऐड कर देते हैं, वरना ऐसे ही रख दो तो वो फिर ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रिज में बस रख दो 4-5 दिन तो एटलीस्ट काट ही लेता होता है पुदीना। ओ कह गई हूँ, पुदीना धनिया एक बार पहले भी इसी तरह व्लॉग में मैंने मिंट बोल दिया था और अब भी इसी तरह ही हुआ। और ये साथ में दूध पत्ती अम्मी ने रखी हुई है अपने लिए। अगर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो उसे काइंडली इग्नोर करें, हमारे गले के बाहर ही कोई है जिसको चैन नहीं है। मैं जब कर रही होती हूँ वॉइस ओवर तो कोई ना कोई बस पीछे से शोर शराबा हो ही रहा होता है, हलचल मची भी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को तक वो आवाज़ ना ही पहुँचे तो अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड ये अब इसकी बुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ऑयल छोड़ दिया था पालक ने। एंड ये जी कुछ ज़्यादा ही वैसे वो हो गई है अंधेरे में, इतना अंधेरा था नहीं क्या पता। एंड पिक्चर अटैच की है वो भी आप लोग खुद देख लें। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।